और देखिए चलते चलते हम जहाँ पहुँचे थे, हमारी कोशिश रहती है कि लुधियाना शहर के बारे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। सीनियर सिटीजन मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं कि हमें कुछ बताओ, आपने ज़िंदगी को देखा है, हमने भी ज़िंदगी देखनी है। लोग भटक गए हैं, पहले संस्कार कुछ और होते थे, रहन सहन कुछ और होता था, आजकल सब कुछ बदल गया है। मेरे सर माता जी बैठे हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने ज़िंदगी में इनका जो परिवार था कैसा था, कैसे संस्कार थे, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले ठीक कर ले दूँ बाद में फिर बोलूँगा मैं। हाँ ठीक है, चल रहा है तो ठीक है। अच्छा तुम आए दसो मैनू किन्नी उम्र थोड़ी, उम्र कितनी? मैं यही 76, हाँ 75 प्लस है। 75 प्लस है गई है, चलो जिले पाकिस्तान जिले अपने हिंदुस्तान बने। हाँ उदो जन्म है मेरा, उस टाइम में जन्म है क्या वा, तो उस टाइम जाने के एकदम बदल गया सीगा, मुसलमान चले गए सी इतों किले नाल ठेकेदारी करदे सी, किले नूं सप्लाई दिंदे सी। मेरे हसबैंड ने कहा लाला जी 1 रुपया दे जा सानू कुड़ी चाहिदी है। नहीं मंगदे सीगे, लोक डिमांड साडे बाणियां च बहुत ज्यादा सी, पहले कहंदे सी किन्नी बेटी कुछ एदा साफ दा, मगर मेरे हसबैंड ने ही गल कही सी इहदे पापा ने, कहिंदे लाला जी तुसीं जो लाणा है ना मेरी बरात ओह बहुत वड्डी, अच्छा 1000 बंदा होऊगा, तुसीं उहनां दी खातर कर दिओ, मैनूं कुछ 1 रुपया दी जाओ। अच्छा जी, इक तुहाडे ही कहावत है ना, बाणी कमाई ब्याह और मकान ने खाई। हां मकान ते ते ब्याह दे पैसे लाणे हुंदे सारे। हां हां ते तुहाडे ब्याह दे विच बेटे हुण रहिंदी आ, शाम नूं बरात आई ते रात नूं चले गए, अगे अज शामी आई, शाम दा नाश्ता हो गया, रात दा डिनर हो गया, ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੋ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੋ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵਿਦਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਭਾਂਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੀ ਇਹ ਬਟ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਜਰੀ ਦਾ, ਹੌਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਨਾਮੀ ਗਾਮੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਪਿਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 150 ਸਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 150 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 6-7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਲਾਲੂ ਮਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਵੜਦੇ, ਗਲੀ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। 3 ਰਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕੱਚੀ ਗਲੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲਾਲੂ ਮਗਲੀ, 3 ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਪੈ ਕੇ ਬਾਅਦ? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 2 ਮੈਰਿਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਸੀ ਜਾਨੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੜਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ
मगर पता की है सुख ज्यादा सी कठे रहन च दुख घट सी हुण दुख ज्यादा सुख घट है क्योंकि जाना वै कि आना वै कोई दुख तकलीफ है सारा परिवार कट्ठा हो गया तो हूँ कोई पुछता नहीं है मेरे तीन बेटियां दो बेटे है मेरे ना फ्रूट का बिजनेस है जी दिल्ली दिल्ली सेटल है अच्छा दिल्ली सेटल हो गए हां जी हां जी मैं हां जी हां जी मैं लड़कियां फिर दिल्ली है या लुधियाने नहीं एक कलकत्ते एक लंदन है एक इंग्लैंड है जी एक इंग्लैंड है हां जी अच्छा एक कलकत्ते है एक मेरे को है बजुर्ग बजुर्ग पंडित मोटे थोड़े जिहे मोटे पंडित नाम तो ही मशहूर है मंदिर हनुमान जी तो फेमस है सब नूं पता है मंगन शंगला शोला मंदिर है सगी मंदिर बहुत पुराना है आजू बाजू सारे मंदिर ही मंदिर दिलीप हलवाई मम्मी जो मालीगंज ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾਲ ਵਿਆਰ ਦਾ ਧੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਧੀਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਧੀਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਫੇਮਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਧੀਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੰਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ चलो तुसें सानू नाल गल्लां कीतियां इन्नियां गल्लां बहुत ने ते बाकी जिहड़े चोले प्यार दा कदी फिर चलदे फिरदे तुसीं सोच के रखियो गल्लां जिहड़ियां हुंदियां ना इह बेसिकली गल दा कि जी मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली में बिलोंग करता हूँ। अच्छा फ्रीडम फाइटर। हाँ जी मेरे दादा ही फ्रीडम फाइटर सी मेरे परदादा ही फ्रीडम फाइटर सी अच्छा उन्होंने परदादा ही चाचा ही फ्रीडम फाइटर सी असि लोग फ्रीडम फाइटर फैमिली में बिलोंग करते हैं सारे बिल्कुल 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 साढ़े ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇੱਥੇ 100-150 ਫਾਂਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ 150-200 ਫਾਂਸੀਆਂ
सलूट मारता जी उन्हें फांसी ला दिता, जो सलूट नहीं मारता उन्हें भी फांसी ला दिता जी, जो मारता से कहते चुआ पलूसी करता, जो नहीं मारता मारता नहीं मारता कहते बेइज्जती करता। साढ़े इतने साढ़े परिवार ना यह होया कि साड़ी हवेली जो होंगी सी पुरानी, इतने अंग्रेज लैके नवाब के मुंडिया रहीम ते करीम नाम के नवाब के दो बच्चे सके, उन्होंने फांसी देनी सी, इतने फांसी देने लैके आए। जो फांसी देने की बारी वो सी प्यासे पानी मांगते पे सके, अंग्रेज उन्होंने पानी नहीं दे रहे थे। साढ़े बुजुर्ग उपर खड़े सके लाला बुला राम अग्रवाल, उन्होंने देखे बच्चे प्यासे पानी मंगते पे है, उन्हें बाल्टी चक्की लोटा चक्या जाके उन्होंने पानी पिलाता। अंग्रेजों ने नाल ही उन्होंने फांसी ला दी कि इन्होंने अंग्रेज साढ़े जिहड़े ऑर्डर की उलंघना की है, इन्हें भी नाल ही फांसी ला दी, नाल ही फांसी ला दी उन्होंने। उस तो बाद दिवाली रात को साढ़े घर इस जगह पर अंग्रेजों ने अग लाती, तो दिवाली रात को साढ़े परदादा जी हले दिवाली पूज के हटे थे, पूजन तो बाद बैठे सके अपने बइयां लिखते होंगे ना, जो बाणिया बाणियों बइयां लिखते होंगे उस टाइम, वो बइयां लिखते पे सके, उन्हें दिवाली में अग लाती, वो दम घुट के उत्थे मर गए। उस चीज़ का इंपैक्ट साढ़े दादा जी दे पाया, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1929 के पहला झंडा झका मंडी चौंक उन्होंने चक्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिस उन्होंने मुल्तान जेल च रखा गया 6 साल, तेल का कोहलू होंगे तेल के कोहलू उत्ते रखते सी उन्होंने। असी वो गुमनाम फ्रीडम फाइटर फैमिली बिलोंग करते जिन्हें सरकारों को लिता कुछ नहीं, ना सरकार ने दिता कुछ, कुछ पता है ठीक है, अभी वह गुमनाम फैमिली है। मैं देखिए गुप्ता जी कहते हैं कि हम गुमनाम हैं, लुधियाना शहर में बैठे हैं, घास मंडी गिरजाघर जहाँ फांसी लगती थी, और जैसे उन्होंने बताया कि इनके दादा परदादा जो थे जिनको फांसी लगने वाली थी रहीम नाम के जो लड़के थे उनको, उनको पानी पिलाया तो इनके दादा को भी बुल्ले साहब को भी लगी फांसी, और उसके बाद दिवाली की रात को अंग्रेजों ने उनका घर जला दिया, वहाँ भी इनके दादा की जो ग्रांड फादर की डेथ होगी, और उसके बाद इनके जो ग्रांड फादर थे वो मुल्तान जेल में उनको फांसी हुई। ये है इतिहास, लेकिन किसी को पता नहीं, बस वही गुमनाम असी सोचते कि सरकार बस सरकार राजनीति कोई होर कर रहा, राज कोई होर कर रहा, करवाने किसी होर ने दी सानू, लेकिन सानू यह होंगे कि सानू कुछ चाहिए कुछ नहीं होंगे। सानू एक साड़ी होर गल याद आ गई मैनू, साढ़े मम्मी मदर दादे होंगे पिता जी दादे होंगे सी कि साढ़े दादी दादा जी की पेंशन लगी, कि तुहानू पेंशन दिंदे फ्रीडम फाइटर की, उन्होंने कहा था कि मेरे 5 जवान बच्चे हैगे है, मैनू पेंशन की लोड़ नहीं हैगी, किसी जरूरतमंद पेंशन दिओ, अच्छा, पेंशन, पेंशन लती नहीं उन्होंने दादा फ्रीडम फाइटर फैमिली की। लेकिन जो उन्होंने पता होंगे कि अज वह एड्डी जरूरत वाली चीज़ है पेंशन और चीज़ है, तो जरूर लेंगे कि उन्होंने पेंशन नहीं लती असी कि नहीं सानू चाहिए कि किसी लोड़मंद नू दिओ, साढ़े मेरे जवान बच्चे है 5 वो मैंने खवाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो किन्ना जाने के अपन देखो चलते चलते से कई बार इतों लंघते थे तो मैं मुस्कुरा देंगे सके गुप्ता जी, तो अच्छे असं इन्होंने को गल् पूछियां, माता भी नाल मिल गए। देखो कहते हैं कि जिते जाव जहाँ राह बह चाह, कुछ सोचा जी थोड़े साढ़े गल्ला कर लिया। अच्छा माता जी, अच्छा भाई जी शुक्रिया, चलो जी धन्यवाद, फिर कभी गल्ला करेंगे, टाइम लगे तो।